अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन आपने जरूर देखी होगी, जो पद्मश्री अरुणाचलम मुरुगनाथम की जिंदगी से प्रेरित थी। अरुणाचलम को बहुत बुरा लगता था जब वो अपने आसपास महिलाओं को महंगे सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाने की लाचारी को देखती थी। अपनी इसी लाचारी में उन्होंने सैनिटरी पैड बनाने के लिए दुनिया की सबसे सस्ती मशीन का आविष्कार किया। कन्नौज की काव्या सिंह ने भी अरुणाचलम की तरह महिलाओं की लाचारी को समझा और उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया। महिलाओं और किशोरियों को गंभीर बीमारियों से बचाव के मकसद से काव्या सिंह ने एक ऐसी पहल शुरू की जो इन दिनों सुर्खियों में है। काव्या सिंह ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लड़कियों की दिक्कत को समझकर फिर उनकी दिक्कतों को दूर करने की ठानी। अब काव्या इन इलाकों में न केवल लड़कियों और महिलाओं को जागरूक कर रही है बल्कि उन्हें निःशुल्क सैनिटरी पैड भी वितरित कर रही है। इन लड़कियों ने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को बताया कि काव्या सिंह द्वारा की गई मदद उनके लिए कितनी अहम है। जो हम पहले कपड़ा यूज करते थे अब हम पैड यूज कर रहे हैं तो हमें पैड से ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है और ज्यादा परेशानी भी नहीं आ रही है उससे। बाहर आने जाने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। पहले हम बाहर आते जाते थे तो हमें दिक्कत होती थी और इसके विषय में पहले ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। अब मैं काव्या दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे गांव में भी हमें ये सुविधा मिल रही है। कपड़ा यूज़ करते थे तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी और हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ पता भी नहीं था। और जैसे हम पैड कहीं लेने भी जाते थे बाहर तो फिर जेंट्स बैठे होते थे मेडिकल पे तो हमें शर्म भी आती थी लेने में। लेकिन अब काव्या दीदी जो गाँव में ये योजना लेके आई है और उन्होंने हमें पैड बांटना शुरू किया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नेक काम की वजह से काव्या की काफी प्रशंसा हो रही है। अब वो पैड गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। अपने इस काम में वो डॉक्टरों की मदद भी ले रही है। डॉक्टरों के सहयोग से बच्चियों को माहवारी के दिनों में सावधानियों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। रेखांकित फाउंडेशन वालों ने ये जो काम शुरू किया है बहुत अच्छा किया है क्योंकि गांव-गांव में लड़कियों को यही नहीं पता होता है कि हमें पैड यूज करना है कि कपड़े यूज करने हैं। उनको तो बस यही लगता है कि कपड़े हैं, चाहे वो गंदे हो चाहे कैसे भी, उन्हें यूज करना है, जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इस वजह से पैड यूज करना और पैड वितरित जो काव्या सिंह कर रही हैं ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो हर लड़की इस बीमारी से बचाव बच रही है। काव्या सिंह की संस्था रेखांकित फाउंडेशन ने 7 गांवों को गोद ले रखा है जहां किशोरियों को हर महीने सैनिटरी पैड मुफ्त दिए जाते हैं, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी दी जाती है। काव्या सिंह का कहना है कि उनका मकसद बच्चियों को गंभीर बीमारी से बचाना है। इसके बाद मैं इस समय पंचायती राज विभाग में स्टेट ट्रेनर के रूप में काम कर रही हूँ और अभी कुछ समय कोरोना के समय मैं घर पे थी और मेरी कुछ किशोरियों से बात हुई क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और किशोरियों की समस्याएं मैंने सुनी और समझी तो मुझे लगा क्यों ना क्यों कुछ किशोरियों के क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो मैंने उनके साथ मैंने एक छोटी सी NGO बनाई, मैंने और मेरे फ्रेंड के साथ मैंने NGO जो बनाई है। उसके बाद मैंने कन्नौज जिले में अभी 7 गांव गोद लिए हैं जहां हम किशोरियों को निशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कर रहे हैं। K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट की हमेशा कोशिश रही है कि वो ऐसे प्रयासों को दुनिया के सामने लाए, खासकर ऐसे प्रयास जो निस्वार्थ भाव से किए जा रहे हैं। उन्हें आम दर्शकों तक पहुँचाना हमेशा हमारा मकसद रहा है।